अगली खबर में बात करते हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। पुरानी पेंशन बहाली पर अब मध्य प्रदेश के कर्मचारी दिल्ली में आंदोलन करेंगे। 8 दिसंबर को वे दिल्ली में धरना देंगे। पुरानी पेंशन के साथ अन्य मुद्दे भी उठाएंगे जिसमें परमानेंट डीए समेत अन्य विषय शामिल हैं। विधानसभा चुनाव के पहले पुरानी पेंशन का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। अब तक कई संगठन आगे आ चुके हैं। कांग्रेस भी खुलकर कह चुकी है कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। उधर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार पर भी दबाव बन रहा है। हालांकि सरकार की ओर से पुरानी पेंशन को लेकर अब तक कोई बात नहीं की गई है। दूसरी ओर कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। अखिल भारतीय कर्मचारी संघ के आह्वान पर दिल्ली में धरना दिया जाएगा। इसमें एमपी के कई कर्मचारी संगठन हिस्सा लेंगे। वहीं प्रमुख मांगों को लेकर आगामी जनवरी 2023 में अन्य कर्मचारी संघ को साथ लेकर अन्य संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमा शंकर तिवारी ने बताया कि दिल्ली में होने वाले आंदोलन को लेकर कर्मचारी संघ के प्रदेश एवं जिला पदाधिकारियों की मीटिंग हुई जिसमें आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई गई है। आप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।